देवास में शासन निर्देश अनुसार नगरपालिका निगम देवास द्वारा शहर के सभी वार्ड के गार्डन में वृहद स्तर पर रहवासियों के साथ पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। गनसेट्स कॉलोनी के रहवासियों ने कॉलोनी के स्थित गार्डन नगरपालिका निगम के उद्यानिकी विभाग के प्रभारी दिनेश चौहान के साथ पौधारोपण कार्य किया। उद्यानिकी प्रभारी दिनेश चौहान ने बताया, शासन निर्देश अनुसार नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान के निर्देशन में देवास में वृहद स्तर पर पौधारोपण का कार्य 15 अगस्त तक निरंतर जारी रहेगा। शासन के निर्देश अनुसार 28 जुलाई से वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। शासन के निर्देश अनुसार जो अंकुर अभियान प्रारंभ किया गया है आज से, तो हमने आज गर्ग स्टेट के रहवासियों के साथ में हमने आज इस बगीचे के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। इस बगीचे के अंदर हमने विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए हैं, लगभग 100 पौधे आज यहाँ के रहवासियों की उपस्थिति में उनके माध्यम से लगवाए गए हैं और उसे अंकुर ऐप के ऊपर उनको अपलोड करवा करके हमारी सहभागिता दर्शित की है। ये आगे और निरंतर भी रहेगा, ये 28 जुलाई से 15 अगस्त तक विभिन्न वार्डों में जहाँ जहाँ भी जो कार्यक्रम आयुक्त महोदय के द्वारा जो निर्देश हैं, निर्देश अनुसार ही कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।